प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो लेसन लेजिस्लेटिव चल रहा है उसकी वर्कशीट 2 को आज हम पढ़ाएंगे, उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने लेजिस्लेटिव लेसन की वर्कशीट 1 और उसका सोल्यूशन आपके पास सेंड कर दिया है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे उसको अच्छी तरह से कर रहे होंगे और जो भी ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपने लर्न करना है। ये एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना है। ये पूरी जीवन आपके किसी न किसी कंपटीशन में आपसे अवश्य पूछे जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाएंगे लेकिन लाइफ के अंदर यदि आप कोई भी कंपटीशन फाइट करना चाहें तो ये क्वेश्चन आपको अवश्य ही लर्न रखने होंगे। तो आज हम वर्कशीट 2 के अंदर सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी सॉल्यूशन है वो आप इस तरह से उसको ध्यान से सुनिए। जैसे पहला जो क्वेश्चन हमने वर्कशीट 2 के अंदर दिया था, द इंडियन पार्लियामेंट इज, भारतीय संसद कैसी है, क्या है उसमें, उसमें यूनिकैमरल है, 3 हाउसेज है, बाइकैमरल या 4 हाउसेज है। भारत की जो संसद है वो एक सदनीय है या उसके 3 हाउस है, 3 सदन है या 2 सदन है या उसके 4 सदन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है। वो कैसी है? द्विसदनात्मक है। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा इसके 2 सदन है, तो इंडिया पार्लियामेंट इज बाइकैमरल, मतलब द्विसदनात्मक सदन है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज, पार्लियामेंट के जैसे कि आपको पता है कि एक राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है, तो जो लोअर हाउस है वो कौन से, संसद का जो लोअर हाउस है उसको क्या कहा जाता है? उसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ऑफ स्टेट, तो जो लोअर हाउस है संसद का उसको क्या कहा जाता है? तो लोअर हाउस क्या कहलाती है? लोकसभा। जो अपर हाउस है उसको हम राज्यसभा कहते हैं जबकि लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ये स्टेट्स के अंदर होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको हम राज्यसभा कहते हैं, इसलिए। और राज्यसभा का ही दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लेजिस्लेटिव असेंबली ये राज्यों के अंदर विधानसभाएं होती है, तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली ये पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। अब ये राज्यसभा कह लो या लोकसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट, तो काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा एक ही है, राज्यसभा को ही हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, तो ये अपर हाउस है जबकि लोअर हाउस कौन सा हो गया? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज, जैसे अभी इसमें लोअर हाउस पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको अपर हाउस के बारे में बताया, पूछा है, तो द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज लोकसभा, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो अपर हाउस है उसको हम राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउस को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहा जाता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान दीजिए, द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स या 3 ईयर्स। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर होता है। इसमें क्या है कि हर एवरी 2 ईयर्स के अंदर क्या होता है, 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 ईयर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टेनर ऑफ द लोकसभा इज नॉर्मल टाइम, एक सामान्य समय के अंदर लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? देखो, नॉर्मल टाइम क्यों कहा गया है, नॉर्मल टाइम वो होता है जिसके अंदर लोकसभा डिजोल्व नहीं होती है, लोकसभा अपना पूरा कार्यकाल करती है, कार्यकाल से पहले उसको डिजोल्व नहीं किया जाता है। तो एक नॉर्मल समय के अंदर लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें देखो दिया है, ए 6 ईयर, बी 5 ईयर, सी 4 ईयर्स एंड डी 3 ईयर्स। तो एक नॉर्मल टाइम के अंदर लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर होता है, 5 ईयर्स, और 5 साल के लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, भारतीय जो संसद है वो कैसे बनती है, किससे बनती है, तो उसका गठन कैसे होता है? तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो पार्लियामेंट है
वो किससे मिलकर बनती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें भारत का राष्ट्रपति, द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की सभा जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, और ये प्रतिनिधि जो सभा होती है, प्रतिनिधियों का घर या हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का जो घर है वो है लोकसभा। तो दो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। तो किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद। ये क्वेश्चन हर कंपटीशन पूछा जाता है, बच्चे क्या बता देते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक पार्ट है हमारी पार्लियामेंट का। तो इसमें आप ध्यान देंगे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, एंड द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। नेक्स्ट है, हाउ इज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, राज्यसभा का गठन कैसे होता है? तो इसमें आप देखिए, इंडियन पार्लियामेंट का एक हाउस है राज्यसभा, राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा कैन बी 250 मेंबर्स, क्योंकि राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इस 250 में से जो 12 सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट करता है। 200 आउट ऑफ 250 में से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, द रिमेनिंग 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट, और जो बचे हुए 238 जो मेंबर्स होते हैं वो किसका रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरीज करते हैं। एट प्रेजेंट द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर, इस समय राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर है, जिसमें 233 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट हुए हैं, जबकि 12 मेंबर्स ऐसे राष्ट्रपति ऐसे लोगों को नॉमिनेट करता है जिसने साइंस, सोशल वर्कर्स या आर्टिस्ट या कोई ऐसा काम किया हो जो बहुत ही अच्छा हो, सर्वश्रेष्ठ काम किया हो, किसी भी आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर यदि किसी ने भी अच्छा काम किया, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, अब ध्यान दीजिए, राज्यसभा के अंदर जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव कौन करते हैं? जो इलेक्टेड, जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, जो स्टेट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जिस राज्य के अंदर राज्यसभा के चुनाव होते हैं उस राज्य के विधानसभा के सदस्य, इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से हमारी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसमें अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 12 मेंबर्स उसमें राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, तो बचे 238, और 238 के अंदर से मेंबर्स के अंदर से ये जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, इस समय हमारे देश के अंदर राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स है, जिसमें 12 मेंबर्स राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, इसका मतलब 233 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ना आपको बताएंगे कि लोकसभा के सदस्य के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? हमने आपके वर्कशीट 2 में 8th क्वेश्चन दिया था, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप देखिए, 5 क्वालिफिकेशन हमने इसमें लिखी हुई है, ये क्वालिफिकेशन आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। पहली, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले योग्यता तो ये होनी चाहिए कि मैं भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज। देखो, दूसरे नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि उसके जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी आयु 25 वर्ष
की होनी चाहिए 25 या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की 25 ईयर से एज कम है तो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तीसरी, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत, या और द गवर्नमेंट ऑफ एन स्टेट, या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार के अंतर्गत, उसके पास किसी तरह का कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत उसको कोई लाभ का पद यदि उसके पास है तो उससे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसी के बाद यदि वो राज्यसभा का लोकसभा का सदस्य बन सकता है। फोर्थ जो क्वालिफिकेशन है, नो पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान दीजिए, कोई भी सदस्य एक साथ दोनों हाउसेज का मेंबर नहीं हो सकता। यदि कोई राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा, तब वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो ध्यान रखें, नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता एक ही समय में। नेक्स्ट है, ही मस्ट पोसेस सच अदर क्वालिफिकेशन, उसके पास वो सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। संसद ने जो भी योग्यताएं रखी है वो सारी की सारी योग्यताएं उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। एक लोकसभा के सदस्य के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, संसद के द्वारा जो प्रेस्क्राइब की गई है क्वालिफिकेशन, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन या योग्यताएं उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तो ही वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो दोबारा से इसको मैं बता रहा हूँ, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, He must have completed 25 years of his, he must not hold any office or profit under the government of India or government of any state, and no person can be a member of both houses of the parliament. Next, he must possess such other qualification as may be prescribed by the पार्लियामेंट। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में कीजिए। किसी भी स्टूडेंट को यदि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और गलत हो गया है तो करेक्शन करके अपने फेयर नोटबुक में कीजिए, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इन क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में कर अवश्य मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। थैंक यू।